कार आपकी DI सीरीज की ये नई DI है और हम चल रहे हैं अपने नई DI की तरफ। जैसा कि आपको पता है हम रोज डेली एक एक DI आपको पढ़ाते जा रहे हैं और पेपर 5 में आ चुका है। जैसे कि आपको पता है डेट भी आ चुकी है, अगस्त में पेपर होना है, इसलिए चलते हैं जल्दी से, टाइम बर्बाद नहीं करते और अपनी नेक्स्ट DI की तरफ चलते हैं, क्योंकि DI बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, इसलिए जल्दी जल्दी DI ख़त्म करते हैं। अगली DI क्या है बेटा, देखिए ये भी एक पाई चार्ट है और आपको दिया गया है, ये एक पाई चार्ट बना है और इस पाई चार्ट को देखिए कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांट दिया गया है। एक इंजीनियरिंग, दूसरा क्या है टीचर, अगला क्या है फिल्म प्रोडक्शन, अगला मेडिकल, अगला इंडस्ट्रियल, अगला क्या है मैनेजमेंट, और ये परसेंटेज भी दे दिए गए हैं कि इंजीनियरिंग जो है वो 9% है, टीचरिंग जो है वो 15% है, फिल्म प्रोडक्शन जो है वो 19%, मेडिकल जो है 27%, इंडस्ट्रियल 13% और मैनेजमेंट क्या है 17%। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कोई भी पाई चार्ट होता है तो उसमें एक सर्किल होता है और जो सर्किल बेटा होता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये सर्किल कितने अंश का होता है बेटा। ये अगर पूरा सर्किल घुमाया जाएगा तो ये 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है बेटा, 360 डिग्री का। और अगर इसको परसेंटेज के रूप में आपको दिखा रहा है कि जितने भी भाग बना रहा है इसको जितने भी पार्ट में डिवाइड कर रहा है और उसके जो परसेंटेज दिखा रहा है कि ये जो परसेंटेज है इन परसेंटेज का ऐड किया जाए तो कितना निकल के आता है, 100% निकल के आता है। कितना निकल के आता है, 100%। ठीक है, ये बात आपको बताई गई थी। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, इस सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में बेटा कह रहा है 6 अलग अलग व्यवसाय में कर्मचारियों का प्रतिशत वार वितरण, कर्मचारियों की कुल संख्या 26,800। पहले तो आप ये याद कर लीजिए जो परसेंटेज जो कुल संख्या है वो कितनी है, 26,800। मतलब इतने लोग काम कर रहे हैं इन 6 जगह पर। बात समझ आ गई, ये जो 6 जगह आपको चार्ट में दिखाए गए हैं इन 6 जगहों पे कितने लोग काम कर रहे हैं बेटा, 26,800 लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है आगे देखें, आगे कह रहा है शिक्षण और चिकित्सा पेशे में, तो शिक्षण का मतलब क्या हो गया टीचरिंग, ये टीचरिंग हो गया, और चिकित्सा का क्या हो गया, चिकित्सा का मतलब हो गया मेडिकल, किसमें क्या हो गया मेडिकल पेशे में कर्मचारियों की कुल संख्या और प्रबंधन पेशे में कर्मचारियों की संख्या मतलब मैनेजमेंट, मतलब क्या मैनेजमेंट के बीच का अंतर पूछा गया है। क्या आपसे पहले सवाल पूछा दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो अंतर निकालने के लिए क्या करो, पहले टीचर वाला जो शिक्षक है, शिक्षक वाला और चिकित्सा वाला दोनों को जोड़ लिया जाए तो टीचर में कितना है बेटा 15% है और मेडिकल लाइन में कितना है 27% है, तो 15% प्लस 27% क्या हो जाएगा 7, 5, 12, 1 हासिल 2, 1, 3 और 1, 4, तो ये कितना हो गया, ये हो गया बेटा 42, कितना हो गया 42। अगला क्या है, अगला है कि मैनेजमेंट में कितना है, तो मैनेजमेंट में आपको नज़र आ रहा है कि मैनेजमेंट में है 17%, तो ये हो गया 17 और, ठीक है, दोनों क्या करना पड़ेगा अंतर पूछा गया है तो अंतर मतलब घटा दिया जाए, तो जब घटा दिया गया तो यहाँ से हासिल लेंगे एक तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 में से 7 चले गए 5 और यहाँ का 3 में से 1 चला गया बेटा कितना 2, तो 25% इनका अंतर आया। लेकिन आंसर जो है वो देखेंगे, हमने चारों जब आंसर देखे तो वो परसेंटेज के रूप में आंसर नहीं दे रखे हैं आपको, तो लोग कितने हैं इसके रूप में आंसर दिए हुए हैं, तो लोग आप कितने हैं ये आपको बताना है, परसेंटेज में नहीं बताना। अगर परसेंटेज में आंसर दिया होता तो आप टिक मार देते और कह देते 25% हमारा आंसर है, तो लोग पूछें लोगों में कितना अंतर है, तो लोग टोटल लोग कितने हैं, टोटल लोग हैं 26,800, टोटल लोग बेटा कितने हैं 26,800, उसका 25% निकाल दीजिए, तो 25% निकालने के लिए क्या हो जाएगा 25/100, 25% के लिए क्या हो जाएगा 25/100, 25 एकम से 25 और 25 से काटा 25 चौको 100, 4 के पारे से काटिए इसको 4 6 24, 2 बज गया 28, 4 7 28 और 2 0, तो इस हिसाब से कौन सा आंसर हमारा सही हो गया, सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, दोनों के बीच का अंतर जो है वो कितना है 67,00, याद रहेगा कोई दिक्कत, पहला क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है अपने आप में, क्या कह रहा प्रबंधन पेशे मतलब क्या हो गया, एक मतलब हो गया किसमें मैनेजमेंट लाइन, कौन सा लाइन मैनेजमेंट लाइन, और मैनेजमेंट
मैनेजमेंट लाइन के कर्मचारियों की संख्या का 3/4 हिस्सा महिलाएं हैं। कह रहा जो मैनेजमेंट लाइन है उसका 3/4 हिस्सा, कितना बटे हिस्सा, 3/4 हिस्सा जो है वो कौन है, वो महिलाएं हैं। कौन है बेटा, वोमेन है, महिलाएं हैं। कह रहा बताइए प्रबंधन पेशे में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है। आपको पता है कोई भी भाग होता है तो उसको हम लोग वन मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, वन। और वन भाग का 3/4 तो क्या हो गया, आदमी हो गया, सॉरी औरत हो गई। तो एक में से 3/4 घटा दीजिए, एक में से 3/4 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। घटाएंगे तो क्या होगा, 4 × 4 और 4 में से 3 चले गए तो 1 आ गया, तो 1 ऊपर और नीचे 4। तो 1/4 जो है बेटा वो हमारे कौन है, वो हमारे मैन है, आदमी है, पुरुष है। तो मतलब 3/4 भाग ऐसे भी समझ सकते हो, सीधे सीधे एक भाग का 3/4 भाग औरतें हैं तो उसका 1/4 भाग कौन होंगी, आदमी होंगे। अब 1/4 भाग आदमी है ना, तो किसका, मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट कितने होंगे, तो मैनेजमेंट बेटा टोटल लोग कितने हैं, टोटल लोग तो है 26,800। टोटल कितने, 26,800। और उसमें मैनेजमेंट वाले कितने हैं, उसके मैनेजमेंट वाले हैं 17%, तो 17/100, क्योंकि 17% ही तो है मैनेजमेंट का कोटा। और उसके बाद जब मैनेजमेंट का कोटा 17%, अब उसमें आदमी कितने हैं, उसका आदमी हो गया बेटा 1/4, तो इसका भी 1/4। बात समझ में आ गया होगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए और 4 से इसको काट दीजिए, 4 × 6 = 24, कितना बच गया बेटा, 2 = 28 और 4 × 7 = 28, 4 × 7 बेटा क्या होता है, 28। इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब केवल आपको गुणा गुणा कराना है, तो गुणा कराना है किसका, कराना है 67 पे गुणा कराना है 17 का, 67 पे गुणा कराना है 17 का, 17 × 7 = 119, 119 का क्या आ जाएगा, 9, 11 हासिल। और 17 × 6 कितना होता है, 102, तो 102 में 11 जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 2 × 1 = 3, यहाँ 1 और 1 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 113। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 1139, इसका डी पार्ट जो आंसर है बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा समझ लीजिए। कह रहा मैनेजमेंट में जो हैं, जो मैनेजमेंट में जो काम कर रहे हैं उनकी संख्या का 3/4 भाग कौन है, महिलाएं हैं। तो पुरुषों के कितने होंगे, तो आप कहोगे 3/4 जब महिलाएं हैं तो 1/4 कौन होंगे, पुरुष होंगे, और 1/4 पुरुष होंगे। तो पहले हमें पुरुष तो निकाल लो, आखिर पुरुष कितने हैं, तो आप कहोगे 26,800 में 17%, मतलब 17/100 यही तो पुरुष हैं। और बाद में ये जो 17/100 आएगा बेटा, इसका क्या निकाल देंगे हम लोग, 1/4 निकाल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी पुरुषों की संख्या आ जाएगी, जिसका आंसर नंबर कितना होगा, डी पार्ट सही होगा। चलिए चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, देखिए जरा ध्यान से समझिए, फिल्म निर्माण पेशे से 25% कर्मचारी हड़ताल पे चले गए, फिल्म निर्माण पेशे से 25% कर्मचारी हड़ताल पे चले गए, मतलब फिल्म प्रोडक्शन कितना है यहाँ पे 19%, इसका 25% कहाँ चले गए, हड़ताल पे चले गए। कह रहा फिल्म निर्माण से उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने हड़ताल में भाग नहीं लिया, मतलब जो हड़ताल में नहीं गए। बेटा परसेंटेज होता कितना है, परसेंटेज होता है टोटल 100%, 100% में से अगर 25% आप कह रहे हैं हड़ताल में चले गए, तो इसका मतलब है 75% ऐसे हैं जो हड़ताल पे नहीं गए, 75% ऐसे हैं जो हड़ताल पे नहीं गए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब बात ये, पहले ये बताइए आप कि फिल्म प्रोडक्शन कितने हैं, तो आपका कहना होगा कि टोटल लोग कितने थे बेटा, टोटल लोग थे यहाँ पर 26,800, तो 26,800 में फिल्म प्रोडक्शन वाले कितने हैं, 19%, तो हम लिख सकते हैं 19/100, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, 19/100। इतने लोग जो आपने मैंने यहाँ निकाले हैं, ये जो लिखा हुआ है, इतने लोग क्या है बेटा, इतने लोग जो हैं वो फिल्म प्रोडक्शन पे हड़ताल पे, सॉरी इतने लोग जो हैं वो फिल्म प्रोडक्शन वाले हैं, बात समझ आ गई। अब इतने लोग फिल्म प्रोडक्शन वाले हैं, अब वो तो पूछ रहा है, वो बताइए कि कौन हड़ताल पे नहीं गए। तो आप कह रहे 25% हड़ताल पे गए, तो 75% हड़ताल पे नहीं गए, तो इसका 75% और निकाल दीजिए, तो 75/100, इतने लोग जो हैं वो हड़ताल पे नहीं गए होंगे। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और क्या काट सकते हैं, और काट देते हैं, और क्या कटेगा,
25 काट देते हैं, 25 तीया 75, 25 चौको 100 और 4 के पार से इसको काट दीजिए, तो 4 छंग 24, 2 28, 4 सत्ते 28। तो बेटा क्या निकल के आया, निकल के आया 67 इंटू 19 और इंटू 3। अगर इतने का गुणा करा लेंगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? तो चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, पहले 19 का 67 में मल्टीप्लाई कराते हैं। पहले 19 का किस में मल्टीप्लाई कराते हैं, 67। अब बड़ी बात तो ये कोई कहेगा मेरे को 19 का पारा नहीं आता। अरे भाई 19 का पारा नहीं आता तो पहले 9 का पारा पढ़िए, 9 का पारा पढ़ने के बाद फिर क्या करिए, 1 का पारा पढ़िए। ये तो आपकी गलती है, आपको 19 का पारा नहीं आता। तो चलिए क्या होगा, 19 सत्ते क्या होता है बेटा, 133। 133 का क्या आ गया, 3 आ गया और 13 क्या हो गया, हासिल हो गया। 19 छके क्या होता है बेटा, 19 छके होता है 114। तो 114 में 13 और जोड़ देंगे, 4 3 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 2 और जो हो जाएगा 127। तो यहाँ आ गया 127। तो कितना आ गया, 1273। तो ये आ गया, लेकिन अभी ये आंसर थोड़ी बेटा, क्यों नहीं आंसर, क्योंकि इसमें अभी कितने का मल्टीप्लाई कराना है, इसमें अभी तो 3 का मल्टीप्लाई और कराना है। तो 1273 पे गुणा कर दें 3 का, तो 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 की 1, 2 हासिल, 3 दुनी 6, 6 और 2 8 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो जो हमारा सही आंसर निकल के आया उसका बी पार्ट सही आंसर होगा। 3819 लोग ऐसे हैं जो फिल्म प्रोडक्शन की हड़ताल पे नहीं गए हैं। बात समझ में आ गई? तो देखिए सवाल लगाने के तरीके बहुत होते हैं बेटा। कोई कैसे लगाएगा, कोई कहेगा ये ऐसा करो कि पहले पहले आपको ये जो दिया गया था, पहले ये जो आपको सवाल दिया गया था कि कितने हड़ताल पे गए हैं, 25% हड़ताल पे गए हैं, तो वो कहेंगे ऐसे कर लेते कि 26,800 जो दिया गया है उसमें फिल्म प्रोडक्शन कितना है, 19% है, ठीक है, उसका निकाल लेते हैं 25%। क्या निकाल लेते हैं बेटा, 25%, ठीक है। तो ये क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे कि कितने लोग हड़ताल पे गए, ठीक है, तो कितने लोग हड़ताल पे गए, ये आ गए। अब जो ये हल करने के बाद आएगा फिर 26,800 में से वो घटा देना तो कितने लोग हड़ताल पे नहीं गए, ये आ जाएगा। तो ऐसे भी लगा सकते हैं, हड़ताल पे कितने लोग गए ये निकाल के 26,800 में घटा दो, उतने लोग नहीं गए हड़ताल पे, वो भी आ जाएगा। लेकिन इतना दिमाग क्यों लगाओ, सीधे सीधे लगाइए ना सवाल, जो पूछ रहा है बस वो निकालिए। क्या पूछ रहा था, पूछ रहा था हड़ताल में कितने लोग नहीं गए। तो आपने कहा भैया हड़ताल में 25% लोग गया था तो 75% लोग नहीं गए, तो जो आपका फिल्म प्रोडक्शन है 19% किसका, 26,800 का। तो 26,800 का जो 19% है मतलब 19/100, उसका 75% हमने निकाल दिया, उसका 75/100 ये निकाल दिया, यही आंसर है। इसको हल कर लीजिए तो कितना आएगा, 38,19 आ जाएगा। मेरे ख्याल से डीआई समझ में आ रही होगी, अगर आ रही है तो आपका एक काम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें और साथ में कमेंट जरूर करें कि आपको डीआई समझ में आ रही है, या कि जहाँ डाउट है वो भी कमेंट करें, अगली डीआई में मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, आपके पूरे डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन इसी का देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या कह रहा है, ज़रा ये देखिए, कह रहा है इंजीनियरिंग पेशे और उद्योगों में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। केवल कर्मचारियों की संख्या पूछ दी गई है, किस किस पैसे में, एक तो इंजीनियरिंग पैसे में मतलब कितना परसेंट है, यहाँ पे देखो 9% है, और उद्योग का मतलब कि इंडस्ट्रियल में कितना है बेटा, 13% है। तो 13 में अगर 9 जोड़ दिया जाए तो 13 में कितने जोड़ दिया जाए बेटा, 9 जोड़ दिया जाए तो कितने हो गए, 22% हो गया, 13 9 क्या है, 22% है। बस अब यहाँ पे कोई ऑप्शन अगर 22% लिखा होता तो 22% टिक कर देते, बट ऑप्शन में 22% नहीं दिया गया, संख्या दी गई है। तो टोटल लोग कितने हैं, टोटल लोग तो है 26,800। तो भैया 26,800 का 26,800 का 22% निकाल दीजिए, बस 26,800 का क्या निकाल दीजिए, 22%। बहुत लोग क्या होंगे, इसको दो के पारे से काट देंगे, फिर ऊपर 11 नीचे 50 फिर काटा, इतना दिमाग नहीं लगाइए, केवल दो जीरो से दो जीरो हटाइए और आपको अब क्या करना है, 268 में 22 का गुणा कर देना है। तो 268 इंटू 222, दो का गुणा करें, दो अट्ठे कितने होता है बेटा, 16, एक हासिल, दो छके 12 और एक हासिल था 13, फिर एक हासिल, दो दुनी 4, 4 और एक 5, एक यहाँ लगाया कट्टम का निशान या क्रॉस का निशान जो बचपन में करते थे, फिर दो का वही गुणा करेंगे तो फिर वही आएगा 635, जोड़ देंगे 6,
सिक्स में थ्री जोड़ा है नाइन, फाइव में थ्री जोड़ा एट और ये फाइव, तो आपके सामने आंसर आ गया है 5, 8, 9, 6, मतलब डी पार्ट इसका आंसर क्या है सही है। डी पार्ट क्या है इसका आंसर सही है, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इस डीआई का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए इसके डीआई का अंतिम एंड लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा शिक्षण पेशे में यदि तीन पाँचवें शिक्षक स्थायी नहीं है, तीन पाँचवें का मतलब हो गया 3/5, क्या हो गया 3/5, और 3/5वां भाग जो है वो स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी के रूप में रखे गए हैं। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है शिक्षक शिक्षक की, मतलब टीचरिंग की बात हो रही है। टीचरिंग है कितने, टोटल 15% है किसका, 26800 का, मतलब आप कह सकते हो कि 26800 का जो टीचर है वो 15% है, तो 15/100 इतना है, इतने टीचर हैं। आप चाहो तो इसको हल कर लो या चाहो तो इसको अब यहीं रख रहे हैं तो लास्ट में हल करना, इतने टीचर हैं। लेकिन इतने में भी कह रहा 3/5, 3/5 कैसे स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, तो पूछा है शिक्षण पेशे में स्थायी शिक्षकों की संख्या या परमानेंट की संख्या बताइए। तो मैंने कहा है जब भी बटे में लिख के दे दे आपको 1/4, 3/4 या 3/5, तो आपका टोटल भाग एक होता है, उसको एक से घटा दीजिए, तो 1 - 3/5, तो बटे घटाएंगे तो क्या होगा, 5 का इसमें गुणा करेंगे 1 में 5, 5 में 3 चले गए 2, तो 2/5, तो 2/5 ऐसे लोग हैं जो क्या कह सकते हैं परमानेंट हैं, स्थाई हैं। तो ये जो आप टोटल टीचर निकाले थे इसका बेटा कितना निकाल दिया जाए, 2/5 निकाल दिया जाए, बस इसको हल कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए और 5 के पार्ट काटा तो ये आ गया आपका कितना, 5 * 3 = 15, ठीक है 5 * 3 = 15, तो यहाँ से क्या हो गया 2 * 6 = 8 और 3 * 2 होते हैं 6 का इसमें गुणा कर दिया जाए, तो 6 का गुणा कर दें तो 6 * 8 = 48, 8 * 6 = 48 है, 6 * 8 = 48 क्या आया 4 हासिल, 4 * 6 = 36, 36 * 4 = 40 चालीस की 0 4 हासिल फिर, और 6 * 2 = 12, 12 * 4 कितने 16, 12 * 4 कितने 16, तो भैया आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया इसका ए पार्ट 1608 शिक्षक ऐसे हैं जो क्या है परमानेंट है, जो क्या है परमानेंट है। बेटा ध्यान रखिएगा इस बार कोई भी डीआई गलत नहीं करनी है, डीआई सही होगी तो पेपर में नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा बन सकेंगे, ठीक है। तो ये है हमारी डीआई, डीआई में हमने 5 क्वेश्चन बताए हैं, नेक्स्ट डीआई में हम लोग कल आपको मिलेंगे। हाँ एक बात और, अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए क्वेश्चन की तो आप पीडीएफ का लिंक नीचे दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए डीआई के सबके आंसर भी इसी पीडीएफ में लिख दिए गए हैं कि पहले का क्या है, दूसरे का क्या है, सब आंसर दे दिए गए। और एक और खासियत है इस पीडीएफ की, जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो सीधे यहाँ पर यूट्यूब में क्लिक करें या टेलीग्राम में क्लिक करेंगे पीडीएफ पे, और सीधे हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करें ऐसी डीआई प्राप्त करने के लिए। मिलेंगे हम लोग अपने मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में और अगली नेक्स्ट डीआई के साथ।